दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग ने कंपेयर किया था व्यू प्रीमियम को तोशिबा के U50 सीरीज के साथ, और वहां पे हम लोग ने वाईफाई कनेक्टिविटी में सिंगल बैंड वाईफाई मिलता है या डुअल बैंड वाईफाई मिलता है, लाइव टेस्टिंग किया था, बूटिंग टाइम कितना लगता है, रिमोट कंपैरिजन और काफी कुछ किया था उस वीडियो में। ये ऊपर मैं लिंक कर दूंगा, जो लोग ने नहीं देखा है वो आप जरूर चेकआउट कर लीजिए, काफी हेल्प मिल जाएगी और एक सिक्वेंशियल कंपैरिजन आपको मिलेगा। और आज के वीडियो में सेम टीवी व्यू प्रीमियम और तोशिबा के U50 सीरीज को हम लोग कंपेयर करेंगे पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी के मामले में, वो भी लाइव आपके सामने, और आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी टीवी की पिक्चर क्वालिटी अच्छी है। और वीडियो के एंड में दूंगा मेरा फाइनल कंक्लूजन, तो वीडियो होने वाला बहुत ही धमाकेदार। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टंडा शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे इस धमाकेदार कंपैरिजन को शुरू करने से पहले यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं तोशिबा टीवी को व्यू प्रीमियम के साथ कंपेयर, और दो के दोनों टीवी 4K वेरिएंट है। और व्यू प्रीमियम के साथ मैं एक और टीवी आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा जो हाइसेंस की 4K टीवी है। व्यू प्रीमियम और हाइसेंस में हार्डली कुछ फर्क है, तो दोनों ही टीवी में 19-20 का फर्क है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो डिफरेंसेस है। एक होगा ब्राइटनेस इंडेक्स को लेके, और हाइसेंस की टीवी में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, और व्यू की प्रीमियम टीवी में आपको मिल जाता है डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट। तो ये कुछ छोटा मोटा फर्क है, तो यहाँ पे आप हाइसेंस की टीवी भी कंसिडर कर सकते हो। तो दोस्तों अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं पिक्चर क्वालिटी से। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें अब दोनों ही टीवी के पिक्चर क्वालिटी के बारे में, और जब मैं दोनों ही टीवी को साइड बाय साइड टेस्ट किया तो मुझे यहाँ पे लगता है कि जो तोशिबा की टीवी है उसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है अगर मैं कंपेयर करूँ व्यू प्रीमियम से। और इसकी जो ब्राइटनेस लेवल है और इसी के साथ ही साथ जो कलर्स कॉन्ट्रास्ट और कलर रिप्रोडक्शन है बहुत ही बढ़िया लगा मुझे तोशिबा की टीवी में। व्यू प्रीमियम की जो टीवी है थोड़ी सी फीकी पड़ जा रही थी, थोड़ा सा ब्लर या फिर जो क्लैरिटी मिलती है पिक्चर में वो तोशिबा की टीवी में बहुत ही बढ़िया है, नो डाउट। आंख बंद करके आप इस पे, आपको मतलब अंधा भी रहेगा तो उसको फिर भी ये समझ में आ जाएगा। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे जो डार्क सीन्स है दोनों ही टीवी के बहुत ही बढ़िया है, लेकिन व्यू प्रीमियम में उतना अच्छा डार्क सीन्स मुझे नहीं देखने मिले जो तोशिबा की टीवी में देखने मिला। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पिक्चर क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे तोशिबा की टीवी बीट करती है व्यू प्रीमियम की टीवी को पिक्चर क्वालिटी के मामले में हर एंगल से। हालांकि व्यू प्रीमियम में भी आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन अगर साइड बाय साइड आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तोशिबा की टीवी की पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है तो व्यू प्रीमियम से। और इसके पहले आप कमेंट सेक्शन में पूछो कि भाई इस टीवी में बैकलाइट ब्लीडिंग है या नहीं, तो दोनों ही टीवी में मैंने चेक कर लिया, कोई भी प्रकार का बैकलाइट ब्लीडिंग नहीं है, आप टेंशन फ्री रहिए। और अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपस्केलिंग के बारे में। तो दोनों ही टीवी की अपस्केलिंग बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मुझे पर्सनली तोशिबा की टीवी की अपस्केलिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी कंपेयर टू व्यू प्रीमियम। और यहाँ पे बात करें एसडीआर कंटेंट के बारे में, तो यहाँ पे एसडीआर कंटेंट भी हर एंगल से तोशिबा टीवी की बेटर लगी। और यहाँ पे एक चीज पिक्चर क्वालिटी के मामले में मुझे जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है, ऑब्वियसली VA पैनल है तो व्यू एंगल्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप लोग इस टीवी को लेने का प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप सामने से बैठ के देख रहे हो तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन रूम बड़ा है और साइड साइड से लोग बैठ के देखने वाले तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस बेकार कर देगी, तो ये इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो ये सारी बातें होगी पिक्चर क्वालिटी के बारे में, और अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी और ऑडियो टेक्नोलॉजी क्या इस टीवी में मिल रही है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा भाई, यहाँ पे जो मेरे पास वेरिएंट है 43 इंच का जो तोशिबा का टीवी है उसमें 24 वॉट का साउंड आउटपुट है, और जो व्यू प्रीमियम की 50 इंच की वेरिएंट है वहाँ पे आपको 30 वॉट का साउंड आउटपुट है। तो यहाँ पे ऑडियो टेस्ट जस्टिस नहीं करेगा, फिर भी आप एक बार सुन लीजिए कि कैसा क्वालिटी आपको दोनों ही टीवी में देखने सुनने मिलने वाला है।
यहाँ पे मैं ऑडियो पे ज्यादा कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि कंपैरिजन ही जस्टिस नहीं करता, फिर भी आपको एक अंदाजा आ गया रहेगा कि कौन सी टीवी में कैसा ऑडियो हमें सुनने मिलेगा। अब यहाँ पे मेरे फाइनल वर्डिक्ट की बात करें, उसके पहले यहाँ पे अगर आप लोगों को जानना है कि भाई इस टीवी की स्पेसिफिकेशन क्या है और कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनबॉक्सिंग वगैरह भी मैंने इस टीवी का किया हुआ है, तो ऊपर मैं लिंक कर दूंगा आई बटन में, उसको चेकआउट कर लीजिए, वहां पे भी आपको काफी और डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी दोनों ही टीवियों के बारे में। और इनफैक्ट मैंने साइड लोड जियो टीवी भी किया है इसमें व्यू प्रीमियम में, वो भी चेकआउट कर लीजिए, काफी लोग इंटरेस्टेड होते हैं उस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए, तो वो मैंने वो पर्पज से वीडियो बना दी थी। और अब यहाँ पे मेरे फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करें तो मुझे ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी तोशिबा टीवी की बहुत ही बढ़िया लगी, बिल्ड क्वालिटी सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छा लगा। व्यू प्रीमियम की बात करें तो वहां पे पिक्चर क्वालिटी के थोड़ा सा फीका पड़ जाता है जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और यहां पे अगर खरीदने की बात करें तो ना आपको व्यू प्रीमियम का स्टॉक मिल रहा है, ना व्यू अल्ट्रा मिल रही है, ना ही हाइसेंस मिल रहा है, तो मार्केट में ऑप्शन बचा ही क्या, बचा सिर्फ और सिर्फ अभी तोशिबा, फिलहाल बजट में अच्छी टीवी। लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे तोशिबा टीवी में ये है कि आपको बहुत ही लिमिटेड ऐप्स मिलते हैं। तोशिबा ब्रांड का कहना है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021, 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक आपको कुछ अच्छे अपडेट्स मिलेंगे। Z5 ऐप रिसेंटली उन्होंने ऐड किया हुआ है, तो अपडेट्स तो चालू है, तो अपडेट्स के थ्रू काफ़ी कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर फिलहाल अगर आप इस टीवी को ले रहे हो तो यहाँ पे मैं एक पर्सनल सजेशन दूंगा कि आप इस टीवी को ले लीजिए, पिक्चर क्वालिटी वगैरह ऑडियो वगैरह सब कुछ सही है। लेकिन यहाँ पे एक रिकमेंडेशन होगा कि अगर आप एक फायर स्टिक या फिर एंड्रॉयड बॉक्स लेते हो तो आप इसका जो फुलते ना फुल धमाल से इसको इस टीवी को यूज़ कर सकते हो, हर एक एंगल में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेगी और आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा बना देगी। तो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन होगा अगर आप सीरियसली तोशिबा की इस टीवी को लेने का प्लान कर रहे हो। और यहाँ पे अब टाइम आ रहा है भाई फेस्टिव सीजन का, दिवाली नवरात्रि वगैरह सब कुछ आने वाली है, तो यहाँ पे भाई लोग टीवी वगैरह तो लेंगे ही, तो इसी के साथ ही साथ सेल भी आ रहा है। आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन वगैरह सेल्स वगैरह देखने मिल जाएंगे, ऑफर भी काफ़ी अच्छे हैं, तो अगर उस टाइम पे आप लेते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिए है, अगर आप प्लान कर रहे हो रहने का तो वहां से चेकआउट कर लीजिए, वहां से आप परचेस कर सकते हो। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताओ, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है इस कंपैरिजन को बनाने के लिए, लास्ट 4-5 दिन से कंटिन्यू शूट चालू था। और यहाँ पे अगर ये वीडियो अगर कोई भी ढंग से हेल्पफुल लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नहीं दबाया तो फिर क्या दबाया, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, काफी कुछ अपडेट्स वहां पे भी मिल जाएंगे। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग, हैप्पी गाइड, बाय बाय।